चंदा बेटे। जी अम्मा। चंदा जी अम्मा। इधर आ। कैसा लग रहा हूँ अम्मा? अरे मेरा बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अच्छा ये ले जाके ना मोहल्ले में बांट देना, ठीक है? और अगर कोई पूछे तो कहना अम्मा ने शबे बारात की न्याज दिलवाई थी। बिल्कुल ठीक है अम्मा। अच्छा सुन, मोहल्ले में किसी से उलझना नहीं। ठीक है अम्मा। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। क्या बात है कल्लू? खाला अम्मा ने शबे बारात का हलवा भेजा। मेरी अम्मा का शुगर है और मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। ऐसे रिजक ज़ाया होगा, यूं कर किसी और के घर दे दे, किसी के तो मुँह लग जाएगा ना। खाला शबे बारात का हलवा है। अरे भाई मुझे नहीं लेना ना, मुझे नहीं मीठा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। अम्मा ने शबे बारात का हलवा भेजा है। यार कल्लू, हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और वहीं रहेंगे एक हफ्ते तक, और खाना भी हमने पेट भर के खा लिया है, ठीक है? और आइसक्रीम भी खा ली ऊपर से। अब तेरा ये गर्म हलवा खाएंगे ना दांत झड़ जाएंगे। तू ऐसा कर, जा किसी मोहल्ले वाले को दे दे, सवाब मिलेगा तुझे। क्या दिमाग। कौन? चंदा। कैसे है चंदा? ठीक हूँ। अम्मा ने हलवा भेजा। हलवा तो बड़े मजे का है चंदा, अब अंदर आओ ना। नहीं, अभी मुझे और घरों पे भी हलवा देने जाना है। ताला को मेरा सलाम कहना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम चंदा। कहाँ मटर गश्त हो रही है?
अम्मा ने हलवा बनाया था शबे बारात के लिए, बांटने गया था मोहल्ले में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बांट ना, बांट बांट बांट। मोहल्ले वालों ने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा चल, ये ट्रे यहाँ रख दे और बैठ जा मेरे साथ। अच्छा तो इतना मायूस क्यों है तू फिर? मियाँ जी, मैं जानता हूँ कि मोहल्ले वालों ने हलवा क्यों नहीं लिया। अच्छा क्यों भला? क्योंकि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरी बदसूरती के। ओहो, तो ये खूबसूरती क्या होती है भला? गोरा रंग। गलत, बिल्कुल गलत। ये खूबसूरती जो होती है और ये गोरा रंग, ये इंसान की फितरत के अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता है, ये उसकी सीरत के अंदर होता है। मियाँ जी, आप बड़े अच्छे आदमी, मुझे पता है आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हर गिज़ गई। अब तू खुद सोच, इस महल में कितने लोग रहते हैं और इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये सड़क का जो बल्ब जल रहा है इसको बंद कर दे, और तूने बंद कर दिया। यहाँ भी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल के पत्थर ईंटें छोड़कर वैसे ही चले गए, और तूने एक एक पत्थर चुनकर एक तरफ किया। ये होती है नेकी और मन की खूबसूरती। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, मेरे हिस्से का हलवा तो चखा भाई मुझे। लीजिए मियाँ जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही जायकेदार हलवा। मियाँ जी, रेहान भाई का लंदन से फोन आया। थोड़ा सा हलवा और ले लूं? अरे मियाँ जी, सारी की सारी प्लेट ले लें आप। अबे अगर थोड़ा सा भी तप्पड़ है तो सामने आके बोलो ना, अगर अपनी माँ का दूध पिया तो अगर बोलो ना, चुप क्यों रहे हो? अबे डरपोक हो तुम सब के सब, अगर हिम्मत है ना तो सामने आके बोलो, फिर बताओ तुझे मैं काला चांद किसे कहते हैं। अबे अगर मैं काला हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और अगर तुम लोग गोरे हो तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? अल्लाह का बंदा हूं मैं, जिसने भी मेरी साइकिल पंक्चर की है ना, अल्लाह उससे बताए थे। ला
चंदा चंदा क्यों हलकान हुआ जा रहा है? अल्लाह इन लोगों को हिदायत देगा, इन्हें अकल आएगी। हाँ तू हलकान मत हो, सब्र कर, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। सब्र का फल मीठा होता है। इन लोगों को क्या पता, अरे दफा हो जाओ अपने अपने घरों को, दफा हो जाओ। क्यों करते हैं ऐसा लोग मेरे साथ? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो किसी को कुछ नहीं करता। जिंदगी अशीरन करके रख दी अब्बा इन लोगों ने मेरी। कसम अल्लाह बाकी अब्बा, अगर मुझे तेरा ख्याल नहीं होता ना तो मैं किसी एक को ना कत्ल करके फांसी चढ़ चुका होता खुद भी। अरे बेटा ना रो बेटा, अरे लानत भेज इन कमबख्तों पर। इनको पता नहीं, जानते नहीं कि अल्लाह की लाठी जो होती है ना बेआवाज होती है। तू बेटा बस उससे दुआ मांगा कर, वो देखना वो खुद इनसे निवट लेगा। तू क्यों परेशान होता है, इतना दिल क्यों बुरा करता है मेरी जान? तू तो मेरी चांद का टुकड़ा है, अरे चांद का टुकड़ा है बेटा। तू मेरी जान है, मेरे दिल का करार है, मेरी आंखों की ठंडक है। मत परेशान हुआ कर बेटा, देख लेना मैं कल सबके साथ निमट लूंगी, देख लूंगी सबको। मेरा बाबू, मेरे जान, मेरा चंद। चंदा चंदा, चंदा कहाँ जा रहा है? अम्मा की दवाई लेने। आप मुझे स्टॉप तक छोड़ दे। चल बैठ पीछे। नहीं पैदल चलेंगे। जैसे तेरी मर्जी। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या तूने कभी किसी से प्यार किया? नहीं, कभी किसी की लड़की ने लिफ्ट ही नहीं करे। क्यों क्यों? क्योंकि मैं काला हूं। चंदा लैला भी तो काली थी ना। मगर वो तो औरत थी। जब काली लैला को गोरा मजनू मिल सकता है तो काले चंदा को गोरी जोहरा क्यों नहीं? क्या कह रही? अब ठीक ही तो कह रही हूँ, जोहरा चंदा की दीवानी है, शायद इसीलिए आसमान पे रहती है। नहीं मैं क्यों मजाक करूंगी तेरे से, पता नहीं कब कैसे कहां मेरा दिल तेरे लिए धड़कने लगा। आई लव यू चंदा। चंदा चंदा चंदा, अरे क्यों नहीं हो सकता? इश्क रंग और रूप नहीं देखता। मियां जी सोरा हसीन है, गोरी है, उसके तो बहुत चाहने वाले होंगे, इसमें भला किस चीज की कमी है? हसीन ये गोरा रंग, ये हुस्न, ये खूबसूरती यूसुफ को मिस्र के कैदखानों में ले गई थी, लेकिन उसके बातनी हुस्न ने उसे उम्मीद मिस्र के खिताब से सरफराज किया। चंदा जाहिर जैसा भी हो
बातें खूबसूरत होना चाहिए। जोरा, एक रात में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या? हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। अब तू अपनी काली रंगत तो कभी नहीं कोसेगा। कभी नहीं, अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी जुबान काली हो जाए अगर मैं ऐसा बोलूं। अच्छा ये बता, तू फरीदन खाला को कब भेज रहा है? इसलिए बुद्धू, जब तक तू मेरा रिश्ता नहीं मांगेगा, चंदा और जोहरा का मिलाप कैसे होगा? दोनों एक मदार में कैसे आएंगे? चंदा और जोहरा दोनों एक मदार में? जमीन पर। जी तो फरीदन खाला को भेजना। अगर जरीना खाला ने इनकार कर दिया तो? उनको मनाना मेरा काम, तू उसकी फिक्र ना। तेरी मंजिल आ गई। मुझे फरीदन खाला का इंतजार। चलता हूँ। जब काली लैला को गोरा मजनू मिल सकता है तो काले चंदा को गोरी जोहरा क्यों नहीं? जब तक तू मेरा रिश्ता नहीं मांगेगा, चंदा और जोहरा का मिलाप कैसे होगा? दोनों एक मैदान में कैसे आएंगे? आई लव यू चंदा। ये मुझे बता, जोहरा कहीं तुझसे मजाक तो नहीं कर रही थी? नहीं अम्मा, जोरा मुझसे मजाक नहीं कर सकती। अरे जोरा तुझसे क्यों मोहब्बत करेगी? ये तो अम्मा मैंने उससे नहीं पूछा, लेकिन मियाँ जी बता रहे थे इश्क रंग रूप नहीं देखता। अम्मा मैं तो कहता हूँ तू आज ही जरीना खाला से रिश्ता मांग ले। हाजी, पगला हो गया क्या है? क्या हो गया तुझे? हाँ अम्मा हाजी, अरे कल की किसे खबर किधर की हवा चले। अरे कौन है? आए हाय, इधर आ जोरा की बच्ची, इधर आ। ये तूने एकदम से कैसे चक्कर चला दिया? बैठ। खाला एकदम से थोड़ी बचपन से। क्या बचपन से? हाँ खाला, तुम्हें याद है मैं बचपन में तुम्हारे आंगन में खेलने आया करती थी और तुम चंदा को बादाम की गिरियां दिया करती थी। वो गिरियां ना चंदा मुझे खिला दिया करता था। और याद है खाला, एक दफा चंदा का ढोल बजने वाला बंदर गुम हो गया था। हाँ अच्छी तरह याद है। वो गुम नहीं हुआ था, चंदा ने मुझे दे दिया था और तुमसे झूठ बोला था। अब खाला, मेरी मोहब्बत तो मेरे साथ पलकर जवान हुई है। निस्फ सदी का किस्सा ही है, पल दो पल की बात नहीं। अरे मेरी बेटी, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, तूने तो मेरे बच्चे को खुशियां दे दी हैं। अच्छा अभी काम करो, तुम अभी फौरन घर जाओ और मैं आज ही तुम्हारी अम्मा से बात करने के लिए आ रही हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा शाबाश, बैठ जा। जिम दूसरा कैसा मिस्कीन बना हुआ है। ओए क्या हो रहा है? तू भी है वो। अच्छा ये ले, ये पैसे ले और जाके ना 5 किलो मिठाइयां ले आ। अम्मा इतनी मिठाई का क्या करना है? अरे जरा उन लोगों को भी पता लगे ना, हम लोग खाते पीते घराने के लोग हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं। हाँ हाय जीता रहा, जैसे मस्का लगा रहा है, कम बखत मार। बस बस यहाँ रख दे चंदा। अरे ये मिठाई किस खुशी में? और चंदा तू कहाँ चला? अला वो एक
जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। अरे काम तो होते रहेंगे, इतने दिनों बाद आया है, घड़ी भर बैठ जा। जी। और फरीदन, तूने नहीं बताया कि ये मिठाई किस खुशी में है? क्या तूने कहीं चंदा की बात पक्की कर दी है? पक्की की नहीं है, करने आई हूँ। क्या मतलब? अरे भाई, मैंने सोचा कि तुम्हारी बेटी जो है ना जोरा, उसकी शादी अपने इस चंदा से कर दूँ। देख भाई, इनकार ना करना, वरना ये जो दो प्यार भरे दिल है ना, टूट जाएंगे। क्या जोरा चंदा से? तुझे भी हैरत हुई ना? मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। जोरा, ओ जोरा, भाईरा। ये फरीदन क्या सच कह रही है? मैं पूछ रही हूं, बोलती क्यों नहीं है? बेगैरत, अंधी हो गई है। अगर खुदकुशी करनी थी तो नदी में डूबकर मर जाती। तुझे इस कलवे में क्या नजर आया? खबरदार जो तूने मेरे चंदा को कुछ कहा। चंदा, काला चांद कहो, काला चांद। कम्बा, इतना बदशकल है कि एक नजर देखो तो रात को डरावने ख्वाब आते हैं। और तेरी जुरत कैसे कि तू मेरी जोरा का रिश्ता मांग? निकल मेरे घर से, निकल। होश में रह के बात कर, तुझे पता है तू क्या कर रही? मेरी और मेरे चंदा की बेइज्जती कर रही है तू। फिर चंदा? अरे ये तो काला चांद है, काला चांद, बल्कि चांद के सीने पर दाग है, दाग। बस कर, बस कर। बस अम्मा, बस बहुत हो गई, चल अम्मा। चल, रुक, क्या हो गया? अपनी मिठाई भी लेती जा, और इस काले चांद को और मिठाई को किसी बुजुर्ग के मजार पर चढ़ा देना, बहुत सवाब होगा तुझे। बुजुर्ग किस मजार पर नहीं चढ़ाऊंगी, तू मरेगी तो तेरे मजार पर चढ़ाऊंगी। चल, चल, चले आते हैं, कल रिश्ता लेके चले आए। बड़ा है, बड़ी। और तू बदबख्त, अंदर जा, मनहूस कहीं की तुझे कोई और नहीं मिला। जा, दफा हो। चंदा, काला चांद कहो, काला चांद, अपनी मिठाई लेती जा, और काला चांद मिठाई किसी बुजुर्ग के बाजार में चढ़ाने में सवाब होगा। अपनी मिठाई लेती जा, 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 और काला काला चांद मिठाई किसी बुजुर्ग के बाजार में चढ़ाने में सवाब होगा। अपनी मिठाई लेती जा, लेती जा, जा, काला काला मिठाई किसी बुजुर्ग के बाजार में चढ़ाने में सवाब होगा। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। क्या फरीदन सच कह रही है? जोरा, जोरा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा, मैं डर गई थी क्या कहीं चंदा की जाहिरी सूरत पर आपको कोई एतराज। इधर आ बच्चे, इधर आ। पगली, हमारी शक्ल और सूरत, रंग रूप तो ऊपर वाला बनाता है, और रसूल करीम सल्लम ने फरमाया है कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत नहीं है। सामने का बच्चा है, नेक है। जोरा, तेरी तो नसीब खुल गए। फरीदन, मेरी जोरा तेरी अमानत है, जब चाहे ले जाए इसे। अरे मेरा बच्चा, जीता रहे, अल्लाह तुझे सुहागन रखे, खुश रहे। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो। मेरा बच्चा, मुझे ना गले लगाएगी, मैं तेरी समधन बन गई हूँ। गले लग जा। देखो तो वो कहाँ भाग गई, शर्मा गई। जीता रहे, खुश रहे, खुश रहे। मिठाई खाए,
चलो चलो चलो।